पोहरी विधानसभा में जन आक्रोश यात्रा का हुआ आयोजन। पोहरी में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जन आक्रोश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बैराड़ एवं पोहरी बस स्टैंड पर आम सभा का आयोजन किया, जहां जन आक्रोश यात्रा के पोहरी विधानसभा में प्रवेश करते ही कांग्रेस नेता एवं पूर्व जनपद अध्यक्ष प्रद्युम्न वर्मा ने हजारों समर्थकों के साथ सेवड़ा, गोपालपुर, महेशपुर, पटेवरी, रायापुर, भोराना, बैराड़, साबरारा, नादौरा, एनपुरा, रामगढ़, पोहरी परीक्षा पर भव्यता के साथ स्वागत सत्कार किया। इस दौरान जन आक्रोश यात्रा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, शिव भाटिया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश गुर्जर सहित शिवपुरी जिले की विधानसभा प्रभारी रश्मि पवार सहित सैकड़ों कांग्रेसी नेता सम्मिलित हुए, जहां नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा और तमाम घोटालों को लेकर तंज कसा। साथ ही उन्होंने सतपुड़ा भवन में हुई आगजनी को लेकर सरकार पर भ्रष्टाचार को दबाने का भी आरोप लगाया। वहीं भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा को जन आशीर्वाद यात्रा नहीं माफी यात्रा निकालनी चाहिए। आज कांग्रेस द्वारा आक्रोश जो रैली निकाली गई है उसके बारे में क्या कहेंगे? आज की जो आक्रोश रैली थी ये मध्य प्रदेश की जनता की डिमांड पर निकाली गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जन आशीर्वाद रैली निकाली थी, उसमें मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें बहिष्कार कर दिया था। जगह जगह उनकी रैली को पत्थर, डंडे और धुतकार दिया जनता ने। इसको देखते हुए मध्य प्रदेश के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने ये जनता की भावना को देखते हुए ये निर्णय लिया कि ये जनता की जन आक्रोश रैली जो निकल रही है, ये जन आक्रोश रैली के साथ साथ मध्य प्रदेश की सरकार बदलने की रैली है और इस आक्रोश रैली से मध्य प्रदेश की सरकार बदलना तय है। आज विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह और हमारे महासचिव राष्ट्रीय कांग्रेस के शिव भाटिया और किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर और हमारे क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने आक्रोश रैली का भव्य स्वागत किया और आक्रोश रैली को सुना और संकल्प लिया कि आने वाले नवंबर में 2023 में हम भाजपा की 50% कमीशन वाली सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे और नई सरकार कमलनाथ सरकार, कांग्रेस की सरकार। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर कृष्णनगर मथुरा, निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अपरा क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थ्रोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अति अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीने, लेप्रोस्कोप, इक्विलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल कृष्णनगर मथुरा।